गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स यूपी बोर्ड के जो हैं वो भी ख़त्म हो चुके, और आपका सीबीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर 27 का था वो भी कंप्लीट हो गया, और यूपी बोर्ड का जो था वो आपका 7th को था वो भी कम हो गया। और मैं ये दुआ करूँगा कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हों, अच्छे मार्क्स आएँ आपके, और आपका जो भी टारगेट है, चाहे आप नी मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो वो उसमें कामयाब हों, ठीक है। और लेकिन नीट के लिए जो है आपका, चाहे नीट हो, चाहे जेईई एग्ज़ाम हो, चाहे और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हों जो 12th बेस्ड होते हैं, तो केमिस्ट्री जो है वो आपका, आपको उसका बेसिक्स आपका ज़रूर स्ट्रांग होना चाहिए। और बेसिक्स के बाद जो कंपटीशन डिपेंड करता है वो आपका मतलब एनसीईआरटी पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। जो आप सिलेबस देखेंगे एनसीईआरटी है, तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखा है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जो है कुछ 20% या पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा आपका कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होते हैं, जो उस पर सिलेक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर करिएगा, एनसीईआरटी फॉलो करिएगा, बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, और मेरा जो चैनल है उसको जो है आप उस पर जो वीडियोस वगैरह हैं मैं उस पर आप उनको देखें, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको तो उसको सब चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। खैर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल क्या होती है। पीरियोडिक टेबल जो है एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, यानी एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वर्टिकल कॉलम्स में और हॉरिजॉन्टल रोज में, ठीक है। तो वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज, तो वर्टिकल कॉलम्स पीरियोडिक टेबल क्या है, वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स कहलाते हैं। ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो आपके पीरियड्स कहलाते हैं, ठीक है। मेंडेलीफ को पीरियोडिक टेबल का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडेलीफ है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। और उससे पहले भी अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना पीरियोडिक टेबल के बारे में अपने अपने आइडियाज़ दिए, लेकिन उनको इतनी कामयाबी नहीं मिल पाई, उसकी डीमेरिट्स रहीं। जैसे कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव है, आपका ट्राइड्स है, तो ये लेकिन उसमें इतनी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन मेंडेलीफ को फादर कहा जाता है पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि जो मेन क्रेडिट है वो मेंडेलीफ को ही जाता है। और मेंडेलीफ के टाइम जो थे वो मतलब 56 से भी कम एलिमेंट्स जो थे वो मालूम थे, नॉन थे, ज्ञात थे, लेकिन इस टाइम एट अ प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में हैं। और उन एलिमेंट्स को जो है आपका जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो आपके जो है आपका एटॉमिक नंबर पे बेस है, यानी एलिमेंट्स की जो आपकी फंडामेंटल जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होती हैं। तो और मेंडेलीफ ने में भी पीरियोडिक टेबल में भी कुछ ना कुछ डीमेरिट्स रहीं, और कुछ डीमेरिट्स तो ऐसी हैं जो अभी तक की डीमेरिट्स बनी हुई हैं, जैसे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है, और आपका लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को मेन बॉडी से अलग रखा जाना, ये अभी तक की डीमेरिट्स बनी हुई हैं। बट लेकिन मेंडेलीफ को जो है वो पीरियोडिक टेबल का फादर कहा जाता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो एक्चुअल में मिली है वो उन्हीं की वजह से मिली हुई है। तो जो आपका मॉडर्न कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो पीरियोडिक टेबल है उसको चार ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है पीरियोडिक टेबल को। और जो चार ब्लॉक्स हैं वो
फोर ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एस ब्लॉक आपका एंड पी ब्लॉक, और एस और पी ब्लॉक के बीच में जो है वो आपका डी ब्लॉक है। ठीक है, और एफ ब्लॉक जो है मेन बॉडी से अलग है, टू पार्ट्स में, टू सीरीज में, ये आपका एफ ब्लॉक है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जो है अलग अलग बात करेंगे। ठीक है, बट क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स के जो पीरियोडिक टेबल है फोर ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया, और किस बेस पे डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है एस में, एस सब शेल में, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है पी सब शेल में, तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स एंटर हो रहा है आपका डी ब्लॉक में, तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर हो रहा है आपका एफ सब शेल में, तो आपका उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल को जो है वो चार ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन व्हिच इज गोइंग टू एंटर आइदर इन एस सब शेल और पी सब शेल और डी सब शेल और एफ सब शेल। इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस सब शेल देन द एलिमेंट्स बिलोंग टू एस ब्लॉक। If the last electron enters into p subshell, the electrons, the elements belongs to p subshell. If the last electron enters into n minus 1 d subshell, belongs to d block elements. If the last electron enters into f subshell, the elements belongs to f subshell. So we will discuss step by step. But one question is that why the S block elements contain two groups, P block contains आपका six groups, D block contains आपका जो है group 3 से group 12, ठीक है 10 groups, and F block में 14 elements हैं। ये just जो है आपका ऐसा क्यों है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स ये मैंने आपको अपनी शॉर्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सबशेल में एंटर करता है, एस सबशेल में। अब ये एस सबशेल में तो एंटर कर रहा है, तो इस एस सब शेल में, एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स क्यों होते हैं, दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेकंड ए। ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, एंड ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट्स को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं बताऊंगा कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि जनरली इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस एल्कलाइन होते हैं, और इनके जो आपके ऑक्साइड्स वगैरह हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, बट इनको हम इस आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट यहाँ क्वेश्चन ये है कि एस सब शेल में जो है वो दो ग्रुप्स क्यों आते हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होती है, वन ऑर्बिटल होती है, उसमें मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस वजह से एस ब्लॉक कंटेन्स टू ग्रुप्स, ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेकंड ए, या ग्रुप वन एंड ग्रुप टू।
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एस सबशेल। ठीक है, तो एस में मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो एस ग्रुप फर्स्ट एक एलिमेंट्स होते हैं उनका जनरल कॉन्फिगरेशन जो होता है आउटर एनएस वन होता है, और जो सेकंड एक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जनरल कॉन्फिगरेशन एनएस टू होता है, बिकॉज ऑफ द ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पर आपके दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो एस ब्लॉक कंटेन टू ग्रुप्स, ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेकेंड ए। ठीक है, तो इसके बारे में नेक्स्ट आपका पी ब्लॉक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक और फिर उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जनरल आइडिया था। ठीक है, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।